75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट्स का डे वन। एक्चुअली एक रोमन व्यापारी जो नकली गहने बेचकर लोगों को ठगा करता था, जिसके लिए उसे रोमन किंग गैलियनस ने एक सजा सुनाई कि उसने जो भी किया है उसके लिए उसे अरीना में एक शेर का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद उस व्यापारी को शेर के पिंजरे के गेट के सामने ले जाया जाता है। लेकिन जब गेट खोला जाता है तो उसमें से एक मुर्गा बाहर आता है और इसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गैलियनस इस पे कहते हैं कि इस व्यापारी ने हमारे पूरे समाज के साथ धोखा किया, इसलिए हमने भी इसके साथ धोखा कर दिया और हमारा बदला पूरा हुआ। ये है आपका लेफ्ट टेस्टिकल जिसकी वजह से लड़कियां पैदा होती हैं, और ये है राइट वाला जिससे लड़के पैदा होते हैं, और ये है 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट्स का डे 3। आज का फैक्ट हमारे लिए थोड़ा अजीब होने वाला है। एक्चुअली मिडिल एजेस में ऐसी मान्यता थी कि हमारा लेफ्ट टेस्टिकल ऐसा स्पर्म बनाता है जिससे केवल लड़कियां पैदा होती हैं, और राइट टेस्टिकल ऐसा स्पर्म बनाता है जिससे केवल लड़के पैदा होते हैं। अगर आपको लड़कियां नहीं चाहिए तो लेफ्ट टेस्टिकल काट दो, और लड़के नहीं चाहिए तो राइट टेस्टिकल काट दो। अगर तुम बॉय हो तो थोड़ा फील करके देख सकते हो, और कैसा फील हुआ उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये है हिस्ट्री का एक ऐसा व्यक्ति जिसे 384,912 साल की सजा सुनाई गई, और ये है 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट्स का डे 4। स्पेन का रहने वाला गैब्रियल गेरनोडस जो पेशे से एक पोस्टमैन था, जिसे 1972 में 384,912 साल की सजा सुनाई गई। एक्चुअली गैब्रियल था तो पोस्टमैन, लेकिन हमारी तरह बिल्कुल कामचोर आदमी था। इसके पास जो भी लेटर्स आते थे ये उसे डिलीवर ही नहीं करता था, और इसने लगभग 42,000 लेटर्स को डिलीवर ही नहीं किया और उन्हें चुपचाप पढ़कर अपने पास रख लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इसलिए गैब्रियल को इतने साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 20 साल बाद ही इसे छोड़ दिया गया। स्पेन के बार्सिलोना में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जिसके सभी पीढ़ियों ने एक अजीब इतिहास रच दिया। खैर, आप देख रहे हैं 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट्स का डे 5। बार्सिलोना में पैदा हुए इस व्यक्ति का नाम सियते दे सेप्टेम्बरे था, क्योंकि ये 7 सितंबर 1749 को पैदा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि ये 7 सितंबर 1801 को मरा। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसके बेटे का भी नाम सियते दे सेप्टेम्बरे था, क्योंकि ये भी 7 सितंबर 1774 को पैदा हुआ था और 7 सितंबर 1826 को मरा। रुको जरा, सबर करो। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसके नाती का भी नाम सियते दे सेप्टेम्बरे था, क्योंकि ये भी 7 सितंबर 1814 को पैदा हुआ था और 7 सितंबर 1862 को मरा। What? Bro, what are you talking about, man? ऐसी औरत जिसने अपने नाजायज बच्चे को पैदा होते ही मार दिया। तो भाई इसमें क्या नया बता दिया तुमने, लेकिन हम बताएंगे 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट्स के डे 6 में आपको कुछ नया। 1724 में स्कॉटलैंड की एक मैगी डिक्सन नाम की लड़की को अपने नाजायज बेटे के तुरंत पैदा होते ही मार देने के जुल्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसे फांसी दी जाती है। लेकिन फांसी देने के बाद जब उसे दफनाने के लिए कॉफिन में ले जाया जाता है तो रास्ते में ही पता चलता है कि ये तो अभी जिंदा है, जिसके बाद इसे वापस से कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है ताकि फिर से इसे सजा सुनाई जा सके। लेकिन जज का कहना यह होता है कि एक व्यक्ति को एक जुल्म के लिए केवल एक बार ही सजा सुनाई जा सकती है, जिसके बाद इस लेडी को हाफ हैंगिट मैगी के नाम से जाना जाता है और ये 40 इयर्स तक और जिंदा रहती है। 1 सितंबर, ये डेट जापान की हिस्ट्री का सबसे भयानक और सबसे मनहूस दिन है। खैर, हम लोग हैं 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट्स के डे 7 में। ये डेट जापान के लिए इतना मनहूस और इतना भयानक है कि इसी डेट को यानी 1 सितंबर को ही जापान में 6 बार भूकंप आ चुका है। सबसे पहले इस डेट को जापान में अर्थक्वेक 1 सितंबर 1827 को, फिर 1 सितंबर 1859 को, फिर 1 सितंबर 1867 को, फिर 1 सितंबर 1185 को, फिर 1 सितंबर 1649 को और 1 सितंबर 1923 को। तो जापान में सबसे भयानक भूकंप आया, इसमें टोक्यो और योकोहामा शहर पूरी तरह से ऑलमोस्ट तबाह हो चुके थे। बड़ी अजीब बात है कि 2011 में एक 99 साल के व्यक्ति एंटोनियो ने अपने 96 साल की वाइफ रोजा को डाइवोर्स दे दिया। कौन सी बड़ी बात है, गोरे तो तलाक देते रहते हैं। अरे भाई, तुम देख रहे हो 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट का डेट, तो थोड़ा तो मसाला होगा ही फैक्ट में। एक्चुअली एंटोनियो ने 99 ईयर्स के एज में भी रोजा को डाइवोर्स इसलिए दे दिया क्योंकि एक दिन घर की सफाई करते वक्त एंटोनियो को एक सीक्रेट लव लेटर मिलता है। तो भाई 86 ईयर्स की बुड्ढी को प्रेम पत्र कौन लिख रहा था। नहीं भाई, ये लव लेटर्स 1940 में लिखे गए थे जब रोजा एक 26 इयर्स की यंग लड़की थी। एंटोनियो को मिला 2011 में। मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और बोला, हेलो भाई तुम क्यों मान रहा है यार, तेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। बम्मा भाइन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खैर, तुम भी मान लो कि तुमने भी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और बोला हेलो, बट एक मिनट, ये हेलो शब्द इन्वेंट किसने किया। आप देख रहे 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट का डे 9, तो पता तो चल ही जाएगा। देखो, टेलीफोन सबसे पहले ग्राहम बेल ने बनाया और बहुत सारे लोगों ने मिथ भी फैला दिया कि ग्राहम बेल ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और बोला हेलो। लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई है जितनी कि तुम्हारे महिला मित्र में। 99% मिथ ही मिथ है, क्योंकि ग्राहम बेल ने हेलो नहीं बल्कि अहो शब्द सजेस्ट किया था। इस वर्ड का इस्तेमाल पुराने जमाने में समुद्री जहाजों पर दूर के लोगों को बुलाने में किया जाता था और हेलो वर्ड का सजेशन थॉमस एडिसन ने दिया था।
रिचर्ड क्लिंकहैमर भाई इस बंदे पर ना पूरी की पूरी सीरीज बननी चाहिए। क्यों बताता हूँ। हम 75 डेज विद 75 हिस्ट्री फैक्ट के डे 10 में ईयर था 1991 जब रिचर्ड क्लिंकहैमर नाम के इस व्यक्ति के घर से इसकी पत्नी अचानक से गायब हो जाती है और पुलिस के एक साल खोजने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता। और ठीक एक साल बाद रिचर्ड ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को मारने के 7 तरीकों के बारे में बताया था, जिसके बाद पुलिस को इन पे शक हो जाता है और पुलिस इन्हें रिमांड कर लेती है। लेकिन फिर भी पुलिस को इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और ये बंदा 1997 में अपने घर को बेचकर कहीं चला जाता है। लेकिन लोग और पुलिस तब शॉक्ड हो जाते हैं जब सन 2000 में इसके घर के गार्डन की सफाई करते वक्त एक बॉडी मिलती है और जांच के बाद पता चलता है कि ये बॉडी रिचर्ड के पत्नी की है।